तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या था? एग्जाम्पल था अमर अकबर और एंथनी का। अमर अकबर एंथनी नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, बहुत फेमस मूवी है अमिताभ बच्चन की। अमर अकबर एंथनी, अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, विनोद खन्ना। अमर अकबर एंथनी, एक साथ जमा हुए तीनों, अमर अकबर एंथनी, आप लोगों को पता होगी। तो ये अमर अकबर एंथनी तीन लोग हैं, तो ये तीनों लोग कार से जा रहे हैं। तीनों के पास अलग अलग कार है, अमीर लोग है बहुत सारे। तीनों के पास अलग अलग कार है, तीनों अलग अलग कार से अलग अलग वेलोसिटी से अलग अलग स्पीड से जा रहे। तो उसका जो डाटा है, डाटा मतलब उसकी जो इंफॉर्मेशन है कि कौन से टाइम पे उनकी स्पीड कितनी थी, मतलब उन कौन से टाइम पे उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया, वो कब कहाँ किस वक्त कितना डिस्टेंस गए, ये जो सारी उनकी इंफॉर्मेशन है, वो जो उनका सारा डाटा है वो हमें दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ पे बोर्ड पे निकाला सारा का सारा डाटा, क्योंकि आप लोगों को समझने के लिए आसानी हो, इसलिए आपके बुक में दिया गया, निकालने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने निकाल दिया ताकि आप अच्छे से समझ पाओ इसलिए। तो देखिए ये टाइम दिया है यहाँ पे। टाइम मतलब आपको पता है क्लॉक का जो टाइम होता है, 5, 5:30, 6:30, 6:07, 7:30, 8 टाइम दिया हुआ है। और यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड बाय अमर इन किलोमीटर, ये जो कॉलम है, ये जो रकाना कॉलम मतलब रकाना जिसको हम बोलते हैं, ये जो कॉलम है उसमें अमर ने जो डिस्टेंस कवर किया वो दिया गया है इन किलोमीटर। किसमें दिया गया? किलोमीटर में। किलोमीटर मतलब आपको पता है किलोमीटर। और जो टाइम है ये क्या है? आवर, आवर में। आवर में मतलब आपको तो पता है आवर मतलब घंटा। ये 5 है, ये 5:30 है, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? आधे घंटे का। 5 और 5:30 के बीच डिफरेंस आधे घंटे का होता है। तो ये घंटे में मतलब आवर में, ये किलोमीटर में डिस्टेंस ये अमर ने कवर किया गया डिस्टेंस है। यहाँ पे जो डिस्टेंस अकबर में, अकबर ने कवर किया यहाँ पे लिखा गया वो भी किलोमीटर में ही है। और लास्ट वाला जो कॉलम है उसमें एंथनी ने जो डिस्टेंस कवर किया वो लिखा गया। तो देखते हैं, चलिए 5 बजे। अभी पहला टाइम हमको क्या दिया गया? पहला टाइम जो हमने नोट किया है वो कौन सा है? 5 बजे का। 5 बजे अमर ने 0 डिस्टेंस कवर किया। 0 मतलब अभी वो स्टार्टिंग पॉइंट पे, कहीं पे भी निकला नहीं है। अकबर भी 0, एंथनी भी 0, तीनों मतलब अपने अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे कहीं भी निकले नहीं है, स्टार्टिंग में 0 है। अभी 5:30 बज गए, आधे घंटे बाद, मतलब आधे घंटे बाद हमने फिर नोट किया। आधे घंटे बाद जब मैंने देखा तो अमर 20 किलोमीटर जा चुका था। कितने किलोमीटर? 20 किलोमीटर डिस्टेंस अमर अमर ने कवर किया था जब मैंने 5:30 को देखा था। और अकबर को देखा था 18 किलोमीटर गया था अकबर, और एंथनी को देखा था वो 14 किलोमीटर गया था। फिर मैं 6 बजे का टाइम मतलब फिर आधे घंटे बाद मैंने चेक किया कितने कितने डिस्टेंस गए हो। तो मैंने देखा अमर 40 किलोमीटर गया हुआ है, अकबर जो है 36 किलोमीटर, एंथनी जो 28 किलोमीटर। ऐसे ही मैंने सारे नोट डाउन कर लिए। अच्छे से देख लीजिए आप, मतलब यहाँ पे टाइम है तो इस टाइम पे कितना डिस्टेंस उन लोगों ने कवर किया ये मैंने लिखा हुआ है। देखिए आप, 7 बजे अमर 80 किलोमीटर गया था, अकबर 70 और एंथनी 56, और लास्ट 8 बजे कहाँ थे? अमर 120 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कवर किया, अकबर ने भी 120 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस कवर किया, और एंथनी ने 84 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कवर किया 8 बजे जब मैंने देखा तब। तो अब मुझे आप एक बात बताइए कि इन लोगों का जो टाइमिंग है, जो टाइमिंग मैंने यहाँ पे नोट किया है उसके बीच का डिफरेंस कितना है? जो टाइमिंग नोट किया उसके बीच का डिफरेंस मैंने आपको बोला था आवर में, तो डिफरेंस देखिए 5, 5:30, 6, 6:30, 7, 7:30, 8 डिफरेंस कितना है? आधे घंटे का डिफरेंस है। मतलब मैं अगर बोलूं डिफरेंस कितने का है? हाफ आवर। हाफ आवर मतलब आधा घंटा, तो आधे घंटे का डिस्टेंस डिफरेंस है टाइमिंग। या फिर मैं बोल सकता हूँ 30 मिनट्स। कितना? हाफ आवर मतलब 30 मिनट्स। तो मैं बोलूंगा कि जो डिफरेंस है वो 30 मिनट का, हर दो पॉइंट्स में, मतलब पहला वाला और उसका कॉन्जिक्यूटिव उसका नेक्स्ट वाला पॉइंट, इन दोनों के बीच 30 मिनट का डिफरेंस है। फिर उसका और उसके आगे वाले पॉइंट के बीच 30 मिनट का डिफरेंस है, जो टाइम है हमारा उनके बीच। तो ये हो गया। अब दूसरी बात मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूँ, क्या ये जो तीनों है, देखिए आप अभी अमर जो है इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। देखिए आप, आधे 5 से 5:30 आधे घंटे का टाइम है, उसने उस आधे वक्त घंटे में उसने 20 किलोमीटर गया। फिर जो नेक्स्ट हाफ आवर है 5:30 से 6 बजे, उसमें वो 40 गया, मतलब पहले 20 से 40, मतलब और 20 ऐड हो गए। फिर आधे घंटे में और 20, 60 हो गए, उसमें और 20 ऐड हो गए, फिर आधे घंटे में तो 80, उसमें और 20 ऐड हो गए तो 100, उसमें और 20, 120 हो गया। मतलब हर आधे घंटे में 20 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है अमर के डिस्टेंस में। मतलब हर आधे घंटे में कितना जा रहा है वो, देखिए आप 20, यहाँ पे भी
20, यहाँ पे भी 20, ये सॉरी यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20, मतलब देखिए 20 20 का डिफरेंस आ रहा है हर आधे घंटे में। वैसे अगर हम अकबर का देखें तो अकबर का वैसे आ रहा है क्या, देखिए यहाँ पे है 18 का डिफरेंस, 0 से 18 मतलब डिफरेंस कितना है 18 का, फिर 18 से 36 डिफरेंस 18 का, 36 माइनस 18 18, मतलब अगले वाले आधे घंटे में वो 18 गया। फिर से यहाँ पे कितना आएगा डिस्टेंस, देखिए 18 का आएगा क्या, नहीं आ रहा, तो 18 से क्या आ रहा है, कितना आ रहा है 16 का आ रहा है शायद, देखिए नहीं 16 का भी नहीं आ रहा, 6 का, 6 का आ रहा है सिर्फ और सिर्फ 6 का आ रहा है, 06 देखिए 6 का आ रहा है। तो उसके बाद फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर थोड़ा कम ऐसे वैसे, और जो एंथनी है उसके हर आधे घंटे का डिफरेंस कितना आ रहा है, देखिए 14 आ रहा है हर जगह, 14 का मतलब जो हम बोलते क्या है 14 का, 14 का पाड़ा है, 14 का पाड़ा दिखा हुआ है सीधा सीधा, तो 14 का डिफरेंस आ रहा है हर आधे घंटे में। तो ये बता क्यों रहा हूँ आपको, क्योंकि सवाल क्या पूछा गया था आपको एग्जाम मतलब जो बुक है उसमें क्या पूछा गया है कि इन लोगों में से इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कौन कवर करता है। तो देखिए आप इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करने वाला अमर है, जो कि हर आधे घंटे में 20 20 20 का डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब पहले आधे घंटे में 20 किलोमीटर गया, फिर आधे घंटे के बाद वो 40 गया था मतलब और 20 ऐड हो गए, फिर आधे घंटे बाद 60 गया तो और 20 ऐड हो गए इसमें, इस तरीके से वो 20 20 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है उसके हर आधे घंटे में। जो एंथनी है उसमें 14 का डिफरेंस आ रहा है, 14 किलोमीटर का, 14 14 14 14 14, तो एंथनी भी हर आधे घंटे बाद 14 किलोमीटर जा रहा है। लेकिन जो अकबर है वो हर आधे घंटे बाद इक्वल डिस्टेंस जा रहा है, पहले 18 गया फिर 18 गया फिर 6 गया, 18 18 6 उसके बाद फिर कोई तो वैल्यू है जो कि 18 नहीं है और 6 भी नहीं है, तो चेंज हो रही है उसकी वैल्यू, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कौन किसने किसने कवर किया, अमर ने और एंथनी ने, क्या अकबर ने कवर किया क्या नहीं किया। तो अमर ने जो कवर किया था वो 20 किलोमीटर था आधे घंटे में और एंथनी ने 14 किलोमीटर था आधे घंटे में। अकबर का कुछ फिक्स नहीं है, पहले 18 फिर 18 फिर 6 फिर और कुछ फिर और कुछ फिर और कुछ, तो उसका फिक्स नहीं है, फिक्स किन लोगों का है, अमर का और एंथनी का, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस उन्होंने कवर किया। देखिए टाइम इंटरवल आधे घंटे का है दो पॉइंट के बीच, जो हमने नोट डाउन किए आधे घंटे का डिफरेंस है, और हर आधे घंटे के डिफरेंस में जो डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है 20 किलोमीटर से इंक्रीज हो रहा है अमर का और एंथनी का 14 किलोमीटर से, लेकिन अकबर का फिक्स नहीं है 18 18 है फिर उसके बाद चेंज हो रहा है चेंज हो रहा है चेंज हो रहा है। तो अमर और एंथनी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे, अकबर नहीं कर रहा। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ आप लोगों से कि ये जो होता है इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करना, उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, उसे क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मतलब एक समान, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है एक समान। और जो ये अकबर है इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस जा रहा है, टाइम इंटरवल तो इक्वल है, देखिए टाइम इंटरवल हर आधे घंटे के बाद नोट किया है, लेकिन जो डिस्टेंस कवर किया है क्या वो इक्वल है क्या, नहीं वो अनइक्वल है, अनइक्वल मतलब इक्वल नहीं है मतलब अनइक्वल है। तो इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो वो क्या हो गया नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, वो क्या हो गया नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अमर का और एंथनी का यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मतलब एक समान, एक समान मतलब एक फिक्स टाइम इंटरवल में, जो कि टाइम इंटरवल हमारा यहाँ पे आधा घंटा 30 मिनट का टाइम इंटरवल है, तो उस टाइम इंटरवल में वो इक्वल इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ए 20 का ए 14 का इक्वल इक्वल डिस्टेंस जा रहे हैं हर आधे घंटे बाद, तो इसलिए हो गया यूनिफॉर्म स्पीड। और अकबर का नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि ये फिक्स डिस्टेंस जो इक्वल डिस्टेंस है वो कवर कर रहा है क्या, नहीं अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब चेंज हो रहा है उसका डिस्टेंस बार बार, तो वो हो गया नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब जो कि एक समान नहीं है, यूनिफॉर्म मतलब एक समान, तो ये हो गया यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ, डेफिनेशन तो मैं आपको लिख के दूंगा ही और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा भी, मुझे आप बताइए कि अमर की स्पीड कितनी होगी, स्पीड अमर की जो है स्पीड कितनी होगी। देखिए आप हर आधे घंटे में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस बढ़ रहा है, हर आधे घंटे में 20, हर आधे घंटे में 20, हर आधे घंटे में 20, तो हमारा स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस 20 किलोमीटर का जा रहा है वो, 0 से 20 गया, टाइम इंटरवल आधा घंटा, मतलब कितने टाइम में गया 20 किलोमीटर, आधे घंटे में, फिर 20 किलोमीटर गया अगले आधे घंटे में, फिर 20 किलोमीटर गया उसके अगले आधे घंटे में, तो 20 किलोमीटर
जा रहा है हर आधे घंटे में जा रहा है। तो मैं अगर इसकी स्पीड निकालना चाहूँ, देखिए यहाँ पे मैं स्पीड निकालना चाहता हूँ इसकी। स्पीड मतलब क्या होता है मेरा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 20 किलोमीटर पर हाफ आवर, पर हाफ आवर 20 किलोमीटर पर हाफ आवर, ये उसकी स्पीड हो गई। अब 20 किलोमीटर पर हाफ आवर को ही हम कैसे बोल सकते हैं, 40 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर हाफ आवर को ही कैसे बोल सकते हैं, 40 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि देखिए हर आधे घंटे में 20 किलोमीटर जा रहा है, तो हर घंटे में कितना जाएगा, 20 से डबल मतलब 40। हर आधे घंटे में 20 जा रहा है तो एक घंटे में कितना जा रहा है, कितना 40 जा रहा है। तो हमारा स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। यूनिट मतलब मैंने आपको बोला था, यहाँ पे जो यूनिट टाइम बोला गया मतलब वन, यूनिट का मतलब होता है वन। अभी यहाँ पे टाइम आवर में दिया गया हमको, तो हम वन आवर देंगे, तो 40 किलोमीटर पर आवर, एक आवर में कितना जा रहा है 40 किलोमीटर। उसी तरीके से एंथनी की स्पीड निकालते हैं, तो एंथनी की जो स्पीड आएगी वो कितनी आएगी हमें, वो कितना जा रहा है हर आधे घंटे में, 14 किलोमीटर जा रहा है, 14 किलोमीटर हर आधे घंटे में, तो एक घंटे में 28 किलोमीटर। हर एक घंटे में कितना जा रहा है, 28 किलोमीटर, तो 28 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड कितनी आएगी, 28 किलोमीटर पर आवर। फार्मूला वही, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना कवर किया, 28 किलोमीटर का, कितने टाइम में, वन आवर में, तो 28 किलोमीटर पर आवर आ गई स्पीड। या फिर हम ऐसे भी निकाल सकते कि 14 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया आधे घंटे में, हाफ आवर में, तो वो जो 1/2 है ऊपर चला जाएगा, तो 28 किलोमीटर पर आवर ही मिलना है। यहाँ पे देखिए ये जो 1/2 है डिनोमीटर में, ये जो 2 है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, 20 × 2 40 किलोमीटर पर आवर। ये तो मैथ है, सिंपल आपको आता होगा। तो इसकी स्पीड और इसकी स्पीड आ गई हमें, जो कि यूनिफॉर्म स्पीड है। यूनिफॉर्म मतलब एक समान, मतलब इस पॉइंट पे 5 बजे तो निकला नहीं था, 5:30 बजे उसकी जो स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर की थी, 6 बजे भी उतनी ही थी, 6:30 बजे भी उतनी ही थी, 7 बजे भी उतनी ही थी, 8 बजे भी उतनी ही थी। मतलब टाइम चेंज हो रहा है उसके हिसाब से, उसकी स्पीड कांस्टेंट है, चेंज हो रही है क्या, नहीं चेंज हो रही। देखिए 40 किलोमीटर पर आवर ही है, क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम में। वैसे ही एंथनी का भी 5:30 बजे भी 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, 6 बजे भी उतनी थी, 6:30 बजे भी उतनी थी, ऐसे 8 बजे भी उसकी स्पीड उतनी थी। तो हमने देखा कि उसकी स्पीड है कॉन्स्टेंट है, मतलब वक्त के साथ चेंज नहीं हुई, कॉन्स्टेंट स्पीड है उसकी भी, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड है एक समान। लेकिन जब अकबर की बात करते हैं तो अकबर की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है क्या, नहीं है, वो यूनिफॉर्म नहीं है। क्यों, क्योंकि चेंज हो रही है, क्योंकि उसका जो डिस्टेंस है इक्वल टाइम इंटरवल में कवर जो कर रहा है वो डिस्टेंस वो अलग अलग है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है क्या, नहीं। तो इसकी जो स्पीड होगी वो कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म। अमर की और एंथनी की जो है यूनिफॉर्म स्पीड है, और अकबर की जो है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। तो चलिए मैं आप लोगों को डेफिनेशन बता देता हूँ। तो चलिए देखते हैं, अभी डेफिनेशन मैंने लिख दिया है पे। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, इट इज सेड टू बी मूविंग इन यूनिफॉर्म स्पीड। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, इट इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए अगर ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो वो क्या होगा, यूनिफॉर्म स्पीड। हम क्या बोलेंगे, वो ऑब्जेक्ट किस में है, यूनिफॉर्म स्पीड में। इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, इक्वल डिस्टेंस मूव कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो यूनिफॉर्म स्पीड। अब ये देखिए, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, इट इज सेड टू बी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अगर ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में है, ऐसा हम बोलेंगे। जैसे हमने देखा था अमर और एंथनी जो थे यूनिफॉर्म स्पीड में थे, लेकिन जो अकबर था नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में था, उसकी जो टाइम इंटरवल में हर आधे घंटे में उसका जो डिस्टेंस जो चेंज हो रहा था वो अनइक्वल हो रहा था। पहले 18 हुआ, फिर 18 हुआ, फिर उसके बाद 6 से हुआ, फिर अलग हुआ, तो उसका जो डिस्टेंस चेंज होने का जो क्राइटेरिया है वो फिक्स नहीं था, अलग अलग, मतलब अलग अलग डिस्टेंस चेंज हो रहा था उसका हर आधे घंटे बाद, तो इसलिए वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में था। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मतलब इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, यहाँ पे इक्वल था, यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंस है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे मतलब हम गाड़ी चला रहे हैं तो मतलब कैसे भी मतलब चला रहे हैं, स्लो आगे पीछे, हम यूनिफॉर्म स्पीड में चलाते क्या, नहीं, ट्रैफिक में हम गाड़ी चला रहे तो ट्रैफिक में हमारी स्पीड कैसी होती है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि हमारी जो स्पीड होती है वो बीच में हम रुकते, फिर थोड़ा फास्ट, फिर थोड़ा स्लो,
बीच में बढ़ा लेती, फिर अगर क्या बोलते इसको स्पीड ब्रेकर आ गया तो फिर स्लो करती है, स्पीड ब्रेकर जाने के बाद फिर फास्ट करती है, तो हमारी जो स्पीड होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। अनइक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं हम इक्वल टाइम इंटरवल में तो हो गया नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे इक्वल टाइम इंटरवल में तो यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये डेफिनेशंस है, ये मैंने आपको लिख के क्यों दिए बोर्ड पे, क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जा सकती है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए मैंने आपको ये लिख के दिया है। तो मैंने लिख के दिया, इसका मतलब क्या, अभी आपको भी ये नोट डाउन करना है, पेन और पेपर लेके अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए जो भी चीजें मैं आपको बोलता हूँ, नोट डाउन कीजिए, जो डेफिनेशंस बोर्ड पे निकालता हूँ, जो प्रॉब्लम बोर्ड पे मैं सॉल्व करता हूँ, और आप लोग ध्यान से नोट डाउन कीजिए पेन और पेपर लेके, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको अच्छे से ध्यान में आएगा। अब इसके पहले जो मैंने टेबल निकाला था वो मतलब ऐसे निकाला था आपको समझाने के लिए, आपके बुक में है वो टेबल, वो निकालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने आपको समझाने के लिए निकाला था, तो वो टेबल निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो डेफिनेशंस जो न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करता हूँ या फिर मैं जो बोलता हूँ ये जरूरी है ये निकालो, तो ये आपको नोट डाउन याद से करके लेना है, इस पे पेन से, कहाँ पे, पेपर पे, पेन और पेपर से अच्छे से। तो चलिए आज के लिए रुकते यहीं पे, आज का ट्यूटोरियल यहीं पे खत्म करते हैं। अभी एक लास्ट बात आपको बोलना चाहता हूँ मैं, जो है कि अगर आपको कुछ डाउट्स आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बिंदास डाउट्स पूछिए, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, जो भी आपको मतलब मुझे सजेस्ट करना रहेगा, जो भी आपको मुझे क्वेश्चन पूछने रहेंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मतलब इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, अगर आप वीडियो को लाइक करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा, तो मैं और ऊर्जा से और स्फूर्ति से अच्छे से और वीडियोस बनाऊंगा आपके लिए। और ये जो वीडियो है आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जो भी आपके दोस्तों सारे, अभी ये 9th क्लास का चैप्टर है तो 9th क्लास के जो भी फ्रेंड्स हैं आपके उसको, उन लोगों को शेयर कीजिए, ये जो लिंक है आप शेयर कर सकते हैं कहीं पे भी, व्हाट्सएप पे या फिर फेसबुक पे, कहीं पे भी सोशल मीडिया पे आप शेयर कर सकते हैं, और उनको भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। और अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो ध्यान से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जैसे जैसे मैं और लेक्चर डालूंगा और ट्यूटोरियल्स डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, आप उन्हें देख पाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।